अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। यार मुझे पता है मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और मैं आप सबसे सॉरी करता हूँ क्योंकि मैंने 15-16-17 दिन हो गए शायद मैंने वीडियो नहीं लगाई है कोई, सबसे माजरत कर समझा करो यार, कोई ज़रूरी काम ऐसे कुछ ज़िंदगी के मामला हो जाते हैं जब जिसमें बंदा फंस जाता है। मैं बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रहता हूँ चैनल के ऊपर, लेकिन आंदे से मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी वीडियो लगाऊँ। हर बार यही बात बोल लेता हूँ, लेकिन अभी आंदे से कोशिश करते हैं। सॉरी को इस तरह करते हैं, अच्छी तरह कह के दिखाओ सॉरी सॉरी करते रहते हैं, वीडियो को चैनल पर लगाते नहीं हो लेते हैं। अभी अच्छी तरह नहीं कही मैंने। अच्छा इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि आप लोगों को जो है ना कुछ चेंजिंग नजर आ रही होगी मेरे बैकग्राउंड में, कुछ तो चेंज है। मैंने हमारे घर का जो है पेंट मैंने बाबा को बोला था लाहौर जाने से पहले कि थोड़ा सा चेंज कर दो। बाबा को मैंने बोला था कि अच्छे वाला पेंट करना, लेकिन उन्होंने जो है ना पैसे बचाने के लिए उन्होंने कर दिया चूना। तो बाहर लग तो प्यारा रहा है, लेकिन अगर बारिश वगैरह आई तो ये ख़राब हो जाएगा। अभी तो प्यारा लग रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा काम अभी भी बाकी है। थोड़ी सफाई वगैरह करनी है, पेंट अभी कुछ दिन पहले ही बाबा ने कंप्लीट किया करवाया। अच्छा मेरे अपने रूम का पेंट नहीं करवाया मैंने, सिर्फ घर का बाहर बाहर से। मैंने कहा चलो थोड़ा अच्छा नजर आने लग जाए वीडियो के अंदर, इतना कर दो। तो अभी आ तो प्यार आ रहा है घर में, तो पानी लगा तो थोड़ी सी खराब हो गई है अभी। और ये दरवाजे पेंट करने हैं, पौधे वगैरह जरा हम अच्छे लगाएंगे घर में, और अंदर के जो है ना पर्दे खिड़कियों के चेंज करने हैं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा अंदर से भी। और ये पौधे भी ज़्यादा ना मैं चेंज कर दूंगा, ये जो पौधे पड़े हैं ना ये भी मैं चेंज कर दूंगा। और ये रूम भी पेंट हो गया है, और ये तो बहुत ज़्यादा साफ हो गया है, बस ये सफाई करनी है नीचे से। नीचे का आपकी आपको नहीं दिखाता ज़्यादा, पेंट अभी कर ली तकरीबन पूरा हुआ है, तो अभी इसलिए सफाई पूरी नहीं हुई घर की। सारा साफ हो जाएगा, हर चीज़ तरतीब से लगा देंगे मम्मा वगैरह, तो फिर ये बहुत ही अच्छा लगेगा घर। अभी ये देखो वॉल्स बिल्कुल साफ हो गई हैं, रूम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया ये वाला भी। इसके अलावा मेरा रूम जो है वो तो आपने देखा हुआ पहले भी, मेरा रूम यही है आपको पता है। इसके अंदर बस जो है ये मेरी एक चप्पल पड़ी हुई है, इसको साइड पर कर देते हैं। मेरा रूम है, इसके अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है, लाइट की कमी है मेरे रूम में, तो मैं एक दो बल्ब वगैरह ऐसा कुछ कर लेता हूँ। अपना प्ले बटन वगैरह दीवार पर लगा देते हैं, अच्छा सा सफाई वगैरह कर, अच्छा लगे, गुजारा हो जाएगा मेरा। ये सब कुछ इतना बस किया है अभी के हमारे रहने के लिए, और वीडियो में आने के लिए घर प्यारा हो गया अभी। अगर कुछ और जरूरत समझ आती रही तो हम चेंज करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा अभी इतने जितने थे पैसे उसमें हमने यही सब कुछ किया जो कर सकते थे, बजट से आउट हो जाता वरना। अब एक और चीज हमने चेंज की है, कल मैं जो है ना आहमद भाई को ले गया था कंप्यूटर वाली शॉप पर, और मैंने आहमद भाई के लिए स्क्रीन ली एक बड़ी। कितने इंच की थी आहमद भाई? 23 इंच की थी। ये सीपीयू उनको चेंज करके दिया, और मेरे जो है ना जब से मेरा YouTube चैनल चला है उसके बाद से अब पहली बार मैंने एक दिन में नॉर्मल चीजों के ऊपर इतना ज्यादा खर्चा किया है जो आहमद भाई का मैंने सीपीयू लिया। बस मैं कल इसकी विंडो इंस्टॉल कर रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो जो है ना इंस्टॉल नहीं हो रही थी किसी वजह से। पीसी वाले के पास दोबारा इसको लेके जा रहा हूँ, उसको उठा लोगे आप? हल्का सा है, तो ज्यादा भारी तो नहीं है, एक्टिंग ना करो आराम से उठा। एक बाजू से उठ जाता है आराम से। चलो कंप्यूटर दुकान में आ गए, चलो लेके चलो अंदर, अंदर जाके पूछते हैं क्या मसला है इसका। अस्सलाम वालेकुम भाई, एक मसला आ गया था, ये कल मैं इसकी विंडो कर रहा था तो वो हो नहीं रही थी यार। पहले मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, उन्होंने कहा कि स्लो चल रहा है, इसमें जो है ना ऐसी एक SSD उन्होंने एक अटैच किया था। फिर मैंने कहा कि और भी ज़्यादा अच्छा करो, तो ये ग्राफिक्स कार्ड भी फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये भी लगा दो। कोई बात नहीं, भाई के लिए एक दफा ही कर रहा है, थोड़ा बहुत मैं भी यूज़ करता रहता ना इसलिए मैं करवा रहा हूँ। इसी हमारे रेडियो में आपको घर जाकर दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या करवाया है। यार मैं जो है ना घर में PC वगैरह आपको पता है कि मैं रेडी कर रहा था भाई के लिए, तो कल गेस्ट आए थे घर के अंदर, और ना बाबा के साथ, बाबा के फ्रेंड थे मतलब, पहले तो वो जा रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि हमारे साथ थोड़ा सा चलो तो हम आपको थोड़ा सा जो है घुमा फिर आके वापस भेज देंगे। अभी हम लोग जो है ना आए हुए हैं, आप बताओ ये कौन सी जगह है, मैं जहाँ हूँ वहाँ पे आप लोग भी हो वीडियो के जरिए सही। हम लोग, मैंने आपको पहले बताया नहीं, हम लोग आए हुए हैं दोस्त विराज, खाना खाने का वेट कर रहे हैं हम लोग। ये जो भाई है ना मैंने आपको दिखाए, इनका नाम है इनाम मेहमान, और ये स्पेशल कराची से जो है, इनके बच्चे मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो उन्होंने इनको मेरे बारे में बताया, और ये जो है ना मुझसे स्पेशल वहाँ से मिलने के लिए आए हैं। और मैं बड़ा खुश था कि मतलब इतनी दूर से कोई मेरे लिए मिलने के लिए आ रहा है, लगा इनके बच्चों के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि थैंक यू, और ये मिलने के लिए इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इनके फ्रेंड हैं, ये कोटा दोस्त हैं, इनका नाम है तैयब फारूकी, दोस्त भी हैं बाबा के, वैसे भी हमें मोहब्बत है दिल्ली। तो बाबा बैठे हैं और हम सब अभी खाने का वेट कर रहे हैं, तो ये अभी थोड़ी देर तक चले जाएँगे कराची वापस, और फिर हम जो है ना अपने घर वापस चले जाएंगे, मतलब यहाँ से जहाँ मैं रहता हूँ, के बाद फिर आपको जो है अपना PC मैंने रेडी करवाया था ना वो दिखाता हूँ, और उसमें गेम्स वगैरह भी चलानी है सारा कुछ, मेरे माइंड में भी वही घूम रहा है बेशक मैं यहाँ पे आया हूँ, तो अभी घर जाके फिर आपको दिखाऊंगा। अच्छा यार खाना वगैरह हमने खा लिया, अभी मैं जो है ना आपको दिखाता हूँ, ये हम लोग आए हैं हेड तोसा पे, और लेट हो रही है, मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ। कराची से हमें भाई मिलने के लिए आए थे, उनको जो है ना हमने अभी रवाना किया, वो चले गए हैं यहाँ से, तो अभी हम भी घर जा रहे हैं। मैंने आना नहीं था, मुझे बाबा ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, चलो आप भी मेरे साथ आ जाओ, आप वीडियो बना रहे हो लेकिन आप आ जाओ, तो मैंने कहा कि चलो बाबा को मना नहीं करते, और वो मेहमान मेरे लिए मिलने के लिए आए हुए थे, तो मैंने कहा उनका भी चलो दिल रख लेते हैं थोड़ा सा, तो मैं साथ आ गया। फिर ये आप सबका बस प्यार है, सब अल्लाह ताला ने आप सबके दिलों में उतारा है मेरे लिए। अभी अभी हम लोग घर पहुँचे हैं, और मेरा वहाँ जाने का कोई प्लान वगैरह नहीं था, लेकिन बस वो आए मिलने के लिए, और फिर हम चले गए वहाँ पर, बाबा भी और मैं भी,
अभी थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा घर पहुँचे हैं, अभी भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही, खाना खाते हैं। ये सब कुछ जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से है कि कराची में बैठा हुआ बंदा उसके दिल में मेरे लिए बात आती है और वो वहाँ से सिर्फ मेरे लिए मिलने के लिए आ रहा है, तो ये बड़ी बात है मेरे लिए। आप लोग उम्मीद लगा ना मेरे से कि मैं कोई ब्लॉग में ना गोल्ड की स्टेक्स खा रहा हूँ या कोई भाई आउट ऑफ कंट्री जाके जो है ना मतलब दूसरे मुल्कों में नई नई चीज़ों के ब्लॉग्स दिखा रहा हूँ, तो वो चीज़ अभी मैं पॉसिबल नहीं है मेरे लिए क्योंकि मेरे पास इतना सब कुछ है नहीं है। तो जितना मैं कर सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ। देर से ब्लॉग्स आते हैं वो भी उसमें भी कुछ ना कुछ रोल इसी चीज़ का है। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा वतु इज्जु मंतशा यार। मैं अभी अपने पुराने व्लॉग्स बैठ के देख रहा था, बहुत ज्यादा अपना पुराना वक्त जो है याद आ रहा था। आप सब लोगों ने जितना ज्यादा प्यार दिया और अल्लाह ताला का ये करम है, बस अल्लाह की मर्जी ना होती तो ये सब कुछ मिलना ही था। मैं शुरू में पढ़ता होता था, अभी वो चला देख भी रहा था मैंने आपको दिखाया व तू इज्जू मंतशा व तू जिल्लू मंतशा। तो ये सब कुछ जो है ना अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहते हैं ना तो उसके लिए फैसले हो जाते हैं बस। मौसम आज बहुत ज्यादा प्यारा है माशाल्लाह, देखो नीचे से घर थोड़ा प्यारा हो गया, साफ साफ हो गया। यार मैं एक चीज तो भूल ही गया था, मेरे चैनल के ऊपर 4 लाख सब्सक्राइबर्स जो है ना कुछ दिन पहले कंप्लीट हुए थे और मैंने इंस्टा पे और टिकटॉक पे वीडियो लगाई थी, लेकिन मैं यूट्यूब पे व्लॉग नहीं बना पाया और ना ही मैंने आप लोगों के साथ सेलिब्रेट किया। तो आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया 4 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए, अभी तो 4 लाख से ऊपर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो ताकि जल्दी जल्दी आगे 5 लाख 6 लाख 1 मिलियन तक टच करना है इंशाल्लाह, जहां तक अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा होगा मिलेगा सब कुछ। और ये हमारा चैनल है, 4 लाख 10 हजार सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये बहुत ही कम वक्त के अंदर हुए हैं मेरे, तो इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में। मैं ना किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ करता हूँ, ना ही मैं किसी को मतलब शो ऑफ करने के लिए करता हूँ। जो है जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह वही है, मैं कुछ झूठ नहीं बोलता आप सब लोगों से। कल मैं जा रहा हूँ कराची और कराची में ना कुछ काम था और कुछ दोस्तों से भी मिलेंगे जाके वहाँ पे, और कराची में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है मुझे भी और आप सबको भी इंशाल्लाह। ये सीट मेरी मिल चुकी है, कल शाम को इस टाइम मैं यहाँ से चलूंगा और अगले दिन मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और उसके बाद आपको कराची का सीन दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिकट भी मैंने करवा ली थी अपनी, कल इंशाल्लाह हम लोग चले जाएंगे। तो यार फाइनली मैंने आज तक जो है ना GTA 5 और ऐसी बड़ी बड़ी गेम्स की ना सिर्फ YouTube पे वीडियोस देखी हुई थी, तो यार अभी गेम चल रही है लेकिन इसके अंदर एक मसला है कि ये देखो फुल स्क्रीन नहीं हो रही है, स्क्रीन के अंदर ना छोटे साइज में चल रही है, इसका रेजोल्यूशन नहीं ज्यादा हो सक रहा। हमारा जो है ना सब कुछ ठीक है, पीसी का रैम वगैरह सब कुछ अच्छी रखवाई है मैंने, एक चीज की कमी है ग्राफिक्स कार्ड जो है इसका कम है और मुझे थोड़े से और ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। गेम एक तो लैग हो रही है थोड़ी थोड़ी, FPS पूरे नहीं मिल रहे हैं 60 और ना थोड़ी स्क्रीन मतलब छोटे साइज में। गाइस इसकी फुल स्क्रीन तो हो गई है, मुझे पता नहीं चल रहा था, शायद मैंने थोड़ी सी सेटिंग किया तो हो गई है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी ना स्मूथ नहीं चल रही है, तो ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत इसको है, तो वो ग्राफिक्स कार्ड जब न्यू आएगा ना तो मैं फिर बताऊंगा कि न्यू ग्राफिक्स कार्ड लग गया और फिर परफॉर्मेंस दिखाऊंगा कि कितनी स्मूथ चला रहा है, एडिटिंग वगैरह सारी ओके करके करेगा। इस तरह के लोग होते हैं जो सर्दियाँ नहीं आने देते, अभी सर्दी आई भी नहीं और उसने पहले जर्सियाँ पहन ली हैं। और ये आपके हाथ में क्या है? पटाखा। ये कैसे इस्तेमाल होता है? फेंकने से, फेंकने से यहाँ पे वो नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।